हेलो ऑल, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारे करंट अफेयर में एक ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में इंडिया में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज की जो हमारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, ये है लचित बोरफुका। तो आप सब लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं या इस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को क्यों हम लोग करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक वॉर मेमोरियल की इनॉग्रेशन की गई असम के अंदर, और ये जो वॉर मेमोरियल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है लचित बोरफुकान के साथ। लचित बोरफुकान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इनके द्वारा मुगल आर्मी को डिफीट किया गया। इनके द्वारा मुगल आर्मी को हरा के जो अहोम किंगडम था, जो मॉडर्न आप लोगों को असम स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, क्लियर, उस किंगडम की रक्षा की थी, उस किंगडम को प्रोटेक्ट किया था। यही कारण था असम के अंदर इनको बहुत ज्यादा एक इंस्पिरेशन के रूप में देखा जाता है, और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है जहां पे हम लोगों को किसी भी बड़ी ताकत से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये इस किंगडम का, अगर मैं साइज, अभी थोड़ी देर पहले मैं इनका ज्योग्राफिकल एरिया भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोग देखोगे कि एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था, और इस किंगडम के द्वारा एक ऐसा एम्पायर, मुगल एम्पायर, जो बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रांग था ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम पीरियड, उसको हरा दिया गया। तो उसी बैटल के बारे में जिसमें, या जिसके जो कमांडर थे, जिसके जो मेन लीडर थे, राजा नो डाउट डिफरेंट थे, जो मेन लीडर थे जिन्होंने लीड किया उस आर्मी को, लचित बोरफुकान, उनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दे रहा हूं, दैट इज रिगार्डिंग द अहोम किंगडम, तो उसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग यहां पे मैप के ऊपर, ये मिडाइवल टाइम पीरियड का अहोम किंगडम है, क्लियर। वैसे अहोम किंगडम की जो शुरुआत है वो 1228 में, 1228 में हो गई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके सुकपा, क्लियर। सुकपा जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम का जो एंड ईयर है, यानी कि जहां पे अहोम किंगडम खत्म हुआ, वो है 1826। ये वो साल है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अहोम किंगडम को, या अहोम किंगडम के जो एरियाज थे उनको जो है वो मर्ज कर लिया गया, उनको एक्वायर कर लिया गया। तो 600 साल के आसपास जो है हम लोगों को इस स्पेसिफिक किंगडम का इतिहास देखने को मिलता है। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है, आज की जो हमारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, ये हम लोगों को देखने को मिलेगी 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जहां पे मुगल एम्पायर अपनी पीक पे था, और उस टाइम पे मुगल एम्पायर के राजा थे औरंगजेब। जैसा कि आप सब लोगों को शायद पता होगा मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल एम्पायर की स्थापना 1526 में हुई, और इसका जो एंड है वो 1857 में हुआ, क्लियर। लेकिन 1526 से लेके 1707 का वो टाइम पीरियड है जहां पे मुगल एम्पायर ने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत पावरफुल किया और एक्सपेंड किया। यहां पे आप लोगों को ज्यादा ताकतवर राजा देखने को मिलते हैं, जैसे बाबर ने, जिसने मुगल एम्पायर की शुरुआत की, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और अल्टीमेटली औरंगजेब। औरंगजेब जो है उसने सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन की मुगल एम्पायर की, और उसके साथ साथ हम औरंगजेब के काफी कंटेम्पररीज के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली शिवाजी का नाम आता है, क्लियर। शिवाजी के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। उसी तरीके से जो हमारा वेस्टर्न, या जो हमारा ईस्टर्न वाला एरिया है जहां पे अहोम किंगडम स्थित था, वहां पे उतना ही एक इंस्पिरेशनल फिगर हम लोगों को हिस्टोरिकली देखने को मिलती है, जिनका नाम है लचित बोरफुकान। लेकिन हम सब लोग शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए हम लोगों को, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को लचित बोरफुकान के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इन्होंने 71,000 मुगल सेना, क्लियर, जो ऐसी ताकतवर सेना मानी जाती थी जो इंडिया को धीरे धीरे एक्वायर कर रही थी, इंडिया के मैक्सिमम टेरिटरी जो थी उनको जीत रही थी, और उसको बहुत कम लोग ऐसे थे जो चैलेंज कर पा रहे थे, उसको इन्होंने डिफीट किया। तो वो डिफीट कैसे किया, उस डिफीट का जो श्रेय दिया जाता है मुगल एम्पायर, जो आर्मी है उसके डिफीट का जो क्रेडिट दिया जाता है, वो उस पर्सनैलिटी को दिया जाता है जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए मिडाइवल टाइम पीरियड पे जो इतिहास है, या जो मिडाइवल टाइम पीरियड हमारा है, वहां पे, यहाँ पे आपको अहोम किंगडम देखने को मिलेगा, मणिपुर किंगडम हुआ करता था जो आपका मिजोरम और त्रिपुरा वाला एरिया है, वहां पे कंचारी किंगडम हुआ करता था, मेघालय में आपका जयंतिया किंगडम था, और उसके बाद आप लोग सारे का सारा जो किंगडम देखते थे वो आपका पूरा मुगल एम्पायर हुआ करता था, जो डेक्कन एरियाज तक हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिलता था, क्लियर, डन। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपना देश देखने को मिलता था ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम पीरियड। यहां पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी जरूरी है, ये अहोम किंगडम वो किंगडम है जहां से हम लोगों को ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो क्रॉस होती हुई देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी की रेफरेंस इसलिए लिए दी जा रही है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है अहोम किंगडम की विजय में और मुगलों की पराजय में। यानी कि जो मुगल सेना हुआ करती थी
वो जमीन पे यानी लैंड पे तो बहुत अच्छा फाइट दिया करती थी, लेकिन जो वाटर एरियाज है वहां पे उनकी नेवी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। इवन दो जो 71,000 लोग 71,000 मुगल आर्मी गई हुई थी, उसमें काफी नाभिक भी थे यानी काफी उनकी जो नेवी थी वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके शिप वगैरह भी गए हुए थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उनको बैटल लड़नी पड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो जो मुगल सेना है वो यहाँ पे जीत नहीं पाई, अल्टीमेटली वो हार गई। और उसके हार का जो श्रेय है वो दिया जाता है लचित बोरफुगान की जो स्ट्रैटेजी थी, जहां पे उनको बिल्कुल पता था कि जो मुगल्स हैं अगर इनसे मैं बैटल लड़ूंगा प्लेन एरियाज के ऊपर तो यहाँ पे तो शायद ही हमें जीतने नहीं देंगे, लेकिन अगर इनको मैं नदी के ऊपर लड़वाऊंगा, अगर इनको मैं वाटर एरियाज में लड़वाऊंगा, पानी में लड़वाऊंगा, तो इनको हराना जो है वो आसान होगा। और ऐसा ही हुआ। और इवन जो मुगल आर्मी के कमांडर थे राम सिंह, क्लियर, जो आपके राजस्थान की एक टेरिटरी थी वहां के राजा हुआ करते थे, मुगल कमांडर भी थे, क्लियर, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज की, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जो स्ट्रैटेजी थी लचित बोरफुगान की, और लचित बोरफुगान के द्वारा जो आगे बढ़ रहे मुगल सैनिक थे उनको रोक दिया गया। और कहीं ना कहीं मुगलों के लिए ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, अगेन ये मैं एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वैसे वैसे और स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो जो मुगल आर्मी है उसका हारना एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मुगल एम्पायर की नहीं देखेंगे इस स्पेसिफिक बैटल के बाद। तो काफी जो अलग अलग सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज, वहां पे लचित बोरफुगान के बारे में, अहोम किंगडम के बारे में हम लोगों को रेफरेंसेज देखने को मिलती, क्लियर। तो ये होपफुली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं लचित बोरफुगान के बारे में। लचित बोरफुगान का जन्म अहोम किंगडम में हुआ, क्लियर, ये चीज आप लोगों को अभी तक पता चल ही चुकी है। इनके जो पिताजी हैं, इनके जो पिताजी थे वो अहोम किंगडम के अंदर गवर्नर हुआ करते थे, यानी कि पॉलिटिकली अच्छी फैमिली से आया करते थे, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की अहोम किंगडम के अंदर वो स्कार्फ बीरर के रूप में की। स्कार्फ बीरर कौन हुआ करते थे? स्कार्फ बीरर, जिनको 16 धारा बरुआ भी कहा जाता था, क्लियर, ये वो हुआ करते थे जो राजा के पर्सनल गार्ड हुआ करते थे। तो अगर मैं लचित बोरफुगान की बात करूंगा तो इनके जो पिताजी थे वो प्रताप सिंघा वो राजा हैं अहोम किंगडम के, जिनके द्वारा एक नई पॉलिसी शुरू की गई जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी एडवाइस के लिए 5 लोगों को रखा, 5 मेंबर ऑफ काउंसिल जो है उनके द्वारा बनाई गई। उन्हीं 5 मेंबर ऑफ काउंसिल में से एक पोजीशन हुआ करती थी जिस पोजीशन का नाम था बोरफुकान। बोरफुकान जो वो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पर्पसेस, या जो इनके पास जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स हुआ करती थी। तो बोरफुकान बेसिकली एक टाइटल था, क्लियर। जो लचित बोरफुकान थे इनका रियल नेम लचित डेका हुआ करता था। जब इनको बाद में टाइटल दिया गया या बाद में जब ये बोरफुकान बने, यानी कि जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का मेंबर बनाया गया, उसके बाद इनका नाम जो है वो लचित बोरफुकान के नाम से जानना शुरू हुआ। और आज भी हम लोग इनको लचित बोरफुगान के नाम से जानते हैं। लेकिन इनकी जर्नी की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनके पिताजी हैं वो प्रताप सिंघा जो राजा हुआ करते थे अहोम किंगडम के, उनके कोर्ट में गवर्नर हुआ करते थे, क्लियर। प्रताप सिंघा के बाद उनके बेटे, जिनका नाम जो है वो आपका है जादव सिंघा, क्लियर, इनके द्वारा स्कार्फ बियरर बनाया गया लचित जी को, क्लियर। और उसके बाद इनके जो आगे बेटे आए, जिनका नाम जो है वो आपका है चक्रध्वज, क्लियर, चक्रध्वज सिंघा जो है वो इन्होंने इनको प्रमोट किया और जो इनके जो रॉयल गार्ड्स हुआ करते थे उनका सुप्रिटेंडेंट बनाया। और बाद में चक्रध्वज सिंघा के द्वारा ही इनको क्या बनाया गया? बोरफुकान बनाया गया, जो इनका अल्टीमेट नाम पड़ा, क्लियर। तो यहां तक कहानी समझ आई। तो धीरे धीरे जो है इन्होंने स्टेप बाइज जो अहोम किंगडम है उसकी सेना के अंदर या उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अपने आप को ग्रुप किया। तो ये तो इनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन अब हमें जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो मुगल्स हैं वो कैसे यहां पे पहुंचे, क्या उनका इंटरेस्ट था, और कैसे जो लचित बोरफुगान, अब देखिए लचित जो है वो बोरफुगान बन चुके हैं, क्लियर, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने किंगडम की रक्षा करना, अपने किंगडम की प्रोटेक्शन करना, क्लियर। तो अब धीरे धीरे हम लोगों को इतिहास के अंदर जो है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल्स जो है वो यहां पर क्यों इंटरेस्टेड थे। देखिए कहानी सिंपल सी है, अगर मैं बात करूंगा मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर में औरंगजेब ने सदर्न एरियाज, क्योंकि यहाँ पे डेक्कन सल्तनत वगैरह हुआ करते थे, कुछ डेक्कन सल्तनत एक्वायर हो चुकी थी, कुछ डेक्कन सल्तनत के ऊपर जो है वो कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था मुगल आर्मी के द्वारा, तो कुछ सेनापतियों को, कुछ मिलिट्री कमांडर्स को सदर्न साइड भेजा गया था और कुछ सदर्न कमांडर्स को भेजा गया था ईस्टर्न साइड को कंट्रोल करने के लिए, जिनमें अहोम किंगडम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था, क्लियर। तो जिसको जिम्मेवारी दी गई थी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी अहोम किंगडम या ईस्टर्न किंगडम को कंकोर करने के लिए, उनका नाम था मीर जुमलाट्टू,
क्लियर। तो मीर जुमला 2 को आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मीर जुमला 2 के द्वारा 1662 में जो अहोम किंगडम है उसके ऊपर अटैक किया गया। जब अहोम किंगडम के ऊपर अटैक किया गया उस टाइम पे जो राजा थे अहोम किंगडम के, उनका नाम जो था वो था जादव राजा सिंघा। क्लियर। तो जादव राजा सिंघा जो है, इन्होंने जैसे ही देखा कि मुगलों के द्वारा अटैक किया गया तो ये इन्होंने अपना जो प्लेन वाला एरिया था उसको छोड़ा और ये पहाड़ों में चले गए। लेकिन जो मीर जुमला था, जिसको ऐसा लगता था कि मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत इजिली अहोम किंगडम को क्रश कर देगा, वो अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसको फोर्सफुली जो जादव राजा सिंघा है इनके साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिस ट्रीटी के अंतर्गत जो प्लेन वाले एरिया से जिनमें गुवाहाटी वाला एरिया आया करता था वो एरिया जब मुगलों के नियंत्रण में आ गए, मुगलों के कंट्रोल में आ गए और जो बाकी एरियाज थे वो अहोम किंगडम के नियंत्रण में ही रहे। तो जादव राजा जो है, वैसे तो विक्ट्री थी क्योंकि इतने बड़े किंगडम को आपने अंदर आने नहीं दिया था और मजबूर कर दिया था एक ट्रीटी, एक संधि साइन करने के लिए। लेकिन जादव राजा जो थे वो चाहते थे कि जो प्लेन एरिया था, जो गुवाहाटी वाला एरिया है, वो भी अहोम किंगडम में वापस आ जाए। तो कुछ समय के बाद जो है वो जादव राजा की मृत्यु होगी और जादव राजा की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे थे चक्रध्वजा वो अगले राजा बने। तो जादव राजा ने अपने बेटे को कहा था कि जो प्लेन एरियाज हैं इनको वापस लेके आया जाए। तो जादव राजा के बेटे जब अगले राजा बने, उन्होंने लचित बोरफुगान को कहा। लचित बोरफुगान ने 1667 में, यहां पे एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1667 में वो टेरिटरी जो मुगलों के पास थी वो वापस ले ली। अब मुगलों के लिए एक बड़ा अलार्मिंग साइन था क्योंकि उनकी जो टेरिटरी है वो किसी के द्वारा वापस ले लेगी, और स्पेशली वो टाइम जहां पे औरंगजेब अपने आप को पूरे हिंदुस्तान का बेताज बादशाह कंसीडर किया जाता था, करता था, जिसको कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इवन दो हम लोग पंजाब वाले एरियाज में, राजपूताना वाले एरियाज में और जो हमारे महाराष्ट्र वाले एरियाज में है वहां पे नो डाउट जो जो हमारे जो मुगल एम्पायर है उसको अलग अलग जो पर्सनैलिटीज थी जिनमें शिवाजी स्पेसिफिकली थे उनको एक चैलेंज के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब अपने आप को सुप्रीम जो लीडर है इंडिया का वो कंसिडर किया करता था, तो उसके लिए एक बहुत अलार्मिंग साइन था। तो यही रीजन है उसने अब अपनी सेना को भेजा। अब यहां पे जो बैटल है उसकी शुरुआत होगी, जहां पे लचित बोरफुगान की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और यहां पे उनके द्वारा भेजा जाएगा राम सिंह को। और राम सिंह जो है ये आपके जो है वो अंबर क्षेत्र को बिलोंग करते थे। इनके द्वारा 1668 में जो है वो अहोम्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, अहोम किंगडम के ऊपर अटैक किया जाएगा। अहोम किंगडम में इनिशियली मल्टीपल बैटल्स जो है वो हम लोग इनके द्वारा लड़ते हुए देखेंगे। कुछ बैटल्स में जो है वो मुगल्स जीतेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 1671 में एक लड़ाई लड़ी जाएगी, एक बैटल लड़ी जाएगी जहां पे बहुत बुरी तरह से मुगलों को हराया जाएगा अहोम किंगडम के द्वारा, और जिसके द्वारा हराया जाएगा या जो लीडर उनके थे उनका नाम उस स्पेसिफिक टाइम पे था लचित बोरफुगान, जिनके बारे में हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, कहानी समझ आ रही धीरे धीरे। तो जो हमारे राम सिंह है जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे, मैंने मान सिंह शायद शब्द यूज कर लिया होगा, जो राम सिंह जब यहाँ पे पहुंचेंगे और जब बैटल लड़ी जाएगी, मल्टीपल बैटल्स लड़ी जाएंगी, क्लियर, जिनमें जो सबसे पहली बैटल है वो है बैटल ऑफ अलबोई। तो रिसेंटली जो करंट न्यूज है वो यही है कि एक वॉर मेमोरियल की इनॉग्रेशन की गई है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो जो वॉर मेमोरियल बनेगा वो जो बैटल ऑफ अलबोई और जो बैटल ऑफ सराई घाट है, यहाँ पे जो जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जो प्रॉपर इमेजेस हैं कि कैसे जीते, कैसे हराया गया, वो सारे के सारे हम लोगों को डिपिक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। पूरा इतिहास जो है उस वॉर मेमोरियल में जो वो कवर किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले जो स्पेसिफिक बैटल है दैट इज बैटल ऑफ अलबोई, उसको भी कवर किया जाएगा। ये वो बैटल है जो लड़ी गई 5 अगस्त 1669 को, और इस बैटल में जो मुगल आर्मी थी उसके द्वारा जो अहोम किंगडम या अहोम आर्मी थी उसको बहुत बुरी तरह से डिफीट किया गया, हराया गया। हजारों की संख्या में जो अहोम सोल्जर्स थे उनकी मृत्यु हुई, उनकी उनका जो है वो देहांत हुआ स्पेसिफिक बैटल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो बैटल थी वो अहोम किंगडम को हिलाने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटेड थी, या चांसेस ऐसे थे कि शायद अहोम किंगडम जो है वो अब अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएगा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो लचित बोरफुगान है उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि जो वाटर वॉरफेयर है, यानी कि पानी के अंदर की जो लड़ाई है, वहां पे मुगल आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, और उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है वो पूरे की पूरी जो मुगल आर्मी है उसको एंगेज कर लिया, और वहां पे इनके बीच में वाटर वॉरफेयर हुआ।
जहां पे जो अहोम किंगडम, क्योंकि उनके टेरिटरी में वो नदी बहा करती थी, उनको ज्यादा एक्सपर्टीज थी, उनको ज्यादा उनकी नेवी जो है वो ज्यादा बेटर हुआ करती थी, और उसके साथ साथ क्योंकि हिली एरियाज भी वहां पे थे ज्योग्राफी वाइज, तो वहां पे हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर भी साइमल्टेनियसली देखेंगे, जहां पे जो आपका दुश्मन है उसको आप चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते कि वो कहां पे जाए। एक तो फ्रंट टू फ्रंट वॉर होती है, दूसरी गुरिल्ला वॉरफेयर है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को हिस्टोरिकली हिली एरियाज में ज्यादा लड़ती हुई देखने को मिलती है। क्लियर? तो जो पहली बैटल थी उसमें तो जीते, लेकिन उसके बाद जो लचित बोरफुकान है उन्होंने अल्टीमेटली जो लास्ट थी बैटल ऑफ सराईघाट जो कि 1671 में शुरू हुई थी, इसमें लचित बोरफुकान की तबीयत बिल्कुल खराब थी बहुत, या इनका ज्यादा जो है वो तबीयत अच्छी नहीं थी, और 1672 यानी अगले साल ही इनकी मृत्यु भी हो जाएगी, इनका देहांत भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बीमार होने के बावजूद इन्होंने अपने लोगों के लिए इस बैटल में लीड किया। और जब मुगल हारे तो वहां पे जो राम सिंह थे जो मिलिट्री कमांडर थे मुगल आर्मी के, उनके द्वारा भी इनकी बहुत ज्यादा प्रेज की गई, और अकॉर्डिंग टू राम सिंह अगर अहोम किंगडम जीतता है तो उसका एक ही इंडिविजुअल उस जीतवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका नाम है लचित बोरफुकान। तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है कि ज्यादा शायद आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, लेकिन एक चीज समझिए कि अहोम किंगडम जो रिलेटिवली एक छोटा किंगडम है, स्मॉल किंगडम है, वो एक ऐसे किंगडम के साथ लड़ रहा है, एक ऐसे एम्पायर के साथ लड़ रहा है जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर अपनी जो सॉवरेनिटी है, अपनी जो हेजिमनी है उसको एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, और ये घबरा नहीं रहा है, ये डर नहीं रहा है, ये बाहरी ताकत के खिलाफ लड़ रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा मायने नहीं रखता है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना स्ट्रांग है, यहाँ पे ये मायने रखता है कि आप अपनी धरती के लिए क्या कर सकते हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो अहोम किंगडम की जीत थी वो जो नेशनलिज्म उनके अंदर था वो ज्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक इंपॉर्टेंट फोर्स के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। होपफुली आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में पता चली होगी जिनके बारे में हम लोग नॉर्मली जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। और जैसा कि मैंने मेंशन भी किया था कि जो लचित बोरफुकान है करंट अफेयर्स में, इनकी इस साल 400th बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा भी वॉर मेमोरियल और इनका 150 feet ब्रॉन्ज स्टैच्यू भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्लियर? उससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें न्यूज़ में देखने को मिली, तो यही कारण था ये सारे बैटल्स, लड़ाइयाँ, झगड़े या जो भी हिस्टोरिकल हैपनिंग हुई, क्लियर, उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का जो मैं करंट सेशन है, इस पर्सनैलिटी की डिस्कशन है, उसको कंक्लूड करता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।